रामलला वहीं स्थापित होंगे। इस तरीके के बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है उसके नेता दे रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? आप लोगों को क्या लगता है, इस पर कोई कुछ कहना चाहेगा? हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए। जी जी बोलिए। जब काल मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज ढोले, भगवान कुपित होकर बोले। इसमें लिखा गोस्वामी जी ने कि काल दंड कर काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि बिचारा। तो यही घटनाएं घट रही, इनका धर्म भी जा रहा, बुद्धि भी जा रही, ज्ञान भी जा रहा। कहाँ से आए आप? मैं यही श्री जानकी कुंज मंदिर से हूँ, जहाँ से करपात्री जी। अच्छा अच्छा, हाँ, और कोई कुछ कहना चाह रहे? खड़े हो जाइए, जिसे भी बोलना अपनी हाथ खड़े कर लीजिए। हमारे बंधु कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को एक इवेंट की तरह प्रस्तुत कर रही है। ये हमारे लिए इवेंट है, हर्षोल्लास है, मेरे देश के लिए हर्षोल्लास है। तो इसको हम इवेंट और एक हर्षोल्लास की तरह अगर मना रहे हैं, जिसको दिक्कत हो रही होने दें। उत्सव का माहौल है तो क्यों ना उत्सव की तरह मनाया जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं जी? बिल्कुल, उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाएगा, हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। रामलला टाट से ठाट में आ रहे हैं, इससे ज्यादा उत्सव क्या हो सकता है? छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? अयोध्या से ही। अयोध्या से ही हैं। हाँ, आप साथ में हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं। आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, राम जी यहाँ पैदा हुई या 2 किलोमीटर पीछे पैदा हुई, इससे हमको मतलब नहीं है। ये वो भूमि है जिसको प्रभु ने अपने घुटनों के बल चल के, पग पग चल कर, लड़ाई तो लेकिन उसी की थी ना, इतना लंबा जो आंदोलन चला कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जी, झूठे आंकड़े प्रस्तुत किया जा रहे हैं। अयोध्या है अंकारो ब्रह्म रूपम च धकारो विद्रुचते यकारो यदुद्रुत उपश्च अयोध्या नाम वर्तते। वो अयोध्या है जो हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सदृश है, हमारे लिए पूजनीय है, सदा वंदनीय रही है, इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं है। हम संस्कृत का श्लोक आपने सुना दिया, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, यहीं के रहने। क्या क्या यहाँ और कोई कुछ कहना चाह रहा? जल्दी जल्दी, छोटे में अपनी बात रखिए। मैं बताना चाहता हूँ, सवाल भी पूछ सकते हैं अपने नेताओं से आप। हाँ, आप कांग्रेस के नेता जी हैं यहाँ पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये अवध नगरी क्यों कही गई है? सबसे बड़ी बात ये बताएं। मैं इसका जवाब लेता हूँ। हाँ, कौन इधर पीछे कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा कांग्रेस के और सपा के दोनों नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने जो मुखिया हैं उनसे जाके बताइए यहाँ का माहौल देख के कि आप लोग भी साथ में आए। ये जो आप राम पे हमेशा उंगली उठा रहे हैं, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सुनील सिंह है सर। मेरा आपसे हाथ जोड़ के दोनों लोगों से निवेदन है कि आप अपने मुखिया को बताइए, ये माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है। माहौल को देखिए, समझिए क्या है वातावरण, कहीं कोई गलती ना हो जाए। हाँ बोलिए। इनके लिए यही कहेंगे कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, और हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं आप? दोनों के लिए कह, समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जब कोई सनातन धर्म पे आवाज उठाता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है, किसके खिलाफ भी। मैं इसका जवाब लेता हूँ, फिर मैं इधर आता हूँ साधु संतों के पास भी। सनातन की जब भी बात होती है आप लोग चुप हो जाते हैं और आपके साथ ही सनातन पर हमला शुरू कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि अयोध्या नगरी क्यों कहा जाती है। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की, ये पावन नगरी है, ये पूरे विश्व में अखंड भारत में जब त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ उससे आज हम पहचानते हैं। लेकिन आज ये पहचान हमारे किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दी। 2014 से पहले चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो सकती है, 50 साल पुरानी कांग्रेस हो सकती है, पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं होना। आप ही लोग कह रहे हैं ना पार्टी का लेना देना है, बीजेपी का कार्यक्रम है। आज इवेंट नहीं होता, आरएसएस बीएसपी का ये इवेंट नहीं होता तो तमाम राम भक्त बैठे हुए, मैं भी सीना चीर के दिखा सकता हूं मुझसे बड़ा राम भक्त क्या देश के प्रधानमंत्री है। उसे दिखाइएगा, वो सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है। आप तो हनुमान जी टाइप से बोलने लगे, आप तो हनुमान जी जैसे बोलने लगे कि सीना चीर के दिखा सकता हूं। जो दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन जी, उनको बताइए ना यहाँ आने के लिए, बोलिए, पता करिए। राहुल गांधी जी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी कि मैं धर्म का व्यापार नहीं करता हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।